This is R.K. Shukla, senior geology faculty, ex-faculty of Akash, and nowadays working with Top Institute of Kota. तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज के बारे में और कल इसका पहला लेक्चर हमने लिया था जिसमें हमने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो देखो ये डायग्राम आपके सामने है, तो डायग्राम में कुल मिलाकर ऑल टाइप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर। ठीक है, देखो सबसे पहले ओवरी, एंड ओवरी इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ओवरी के बाद क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब आएगा, ओवरी इज फॉलोड बाय फैलोपियन ट्यूब, एंड इट इज फॉलोड बाय यूटेरस और बॉम्ब, एंड इट इज फॉलोड बाय वेजाइना, और वेजाइना का जो लास्ट पार्ट है दिस इज वेजाइनल ओरिफाइस, ये फिफ्थ पार्ट यहाँ पर हो जाता है। कुल मिलाकर इतने पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं जिनमें से ओवरी को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मानते हैं, एंड रेस्ट ऑफ देम आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। बाकी सब किस में आते हैं, बाकी सब सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं, ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये सेकेंड डायग्राम तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब इसमें हमने फोकस किया है, सेम डायग्राम है बट यहां हमने फोकस किया है फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस के डिफरेंट पार्ट के बारे में। देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम और फिम्ब्रिएटेड फनल, इसका सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला। थर्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज स्थपस। ठीक है, कुल मिलाकर तीन पार्ट से फैलोपियन ट्यूब बना होता है। अगर मैं यूटेरस की बात करूं तो यूटेरस इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, फंडस, फंडस के बाद क्या आएगा, बॉडी आएगा, और बॉडी के बाद आएगा सर्विक्स, एंड सर्विक्स इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक, इस बात को याद रखना है। सर्विक्स को हम क्या मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन यूटेरस एज वेल एज वेजाइना, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये अगला डायग्राम आपके सामने है जिसमें हमने किसका डिटेल लिया हुआ है, ओवरी का डिटेल हमने यहां पर लिया हुआ है, इस बात को याद रखना है। देखो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ओवरी का जो सबसे बाहर का कवरिंग है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद वाला कवरिंग दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब एक बात यहां पे याद रखना है, ओवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसीडर्ड एज इनवर्ट ओवरी। आप किसी भी एनिमल में बात करोगे तो उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम, ये याद रखना। लेकिन हमारे केस में इसका रिवर्स सीक्वेंस है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ओवरी के अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, दिस इज स्ट्रोमा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा, एंड याद रखना है स्ट्रोमा का जो पेरिफेरल पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और स्ट्रोमा का जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। स्ट्रोमा का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और उसका जो इनर मोस्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला। ठीक है, फिर हम बात करें ओवरी में कितने टाइप का सेल होता है। देखो हमने बात किया है कि ओवरी के अंदर का जो फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कुल मिलाकर तीन तरह का सेल होता है, पहला सेल है फॉलिकल सेल, एंड फॉलिकल सेल इज बेसिकली जर्मिनल सेल, यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन। ये फॉलिकल सेल वो सेल है जिसे आगे जाकर सेकेंडरी ओसाइट बनाना है और सेकेंडरी ओसाइट को ओबम बनाना है, सो दिस इज जर्मिनल सेल। उसके अलावा क्या है, स्ट्रोमा सेल है, और स्ट्रोमा सेल क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ स्ट्रोमा। और उसके बाद तीसरा सेल है इंटरस्टिशियल सेल, दिस आर द एंडोक्राइनल सेल, टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन, याद रखना ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, एंड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। जस्ट लाइक ब्रेस्ट, long hair and voice, all these are collectively considered as secondary sexual character of female, तो ये secondary sexual character of female को maintain करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद fallopian tube का हमने detail structure यहाँ बनाया हुआ है। fallopian tube का जो first part है this is called as infundibulum or fimbriated funnel। ठीक है, इसका second part, ये इसका first part है,
इसका सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला, और थर्ड पार्ट क्या कहलाता है, स्थमस, स्थमस यूटेरस को ज्वाइन कर लेता है। जबकि अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं फिब्रिएटेड फनल, तो देखो इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं जो क्या कहलाते हैं, फिम्ब्री कहलाते हैं, जिनमें से एक काफी लंबा है और ये जो लॉन्ग फिम्ब्री है ये ओवरी के साथ जुड़ जाता है और इस बात को एंश्योर करता है कि ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी ओसाइड फिब्रिएटेड फनल में ही एंटर करे। ये सारी फिम्ब्री इस बात को एंश्योर करने के लिए है। और उसमें भी याद रखना लॉन्ग फिम्ब्री विल बी अटैच फ्रॉम ओवरी, ओवरी के साथ जाकर ये जुड़ जाएगा और इस बात को एंश्योर करेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा इसका कुल लंबाई कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कहां से कहां तक पाया जाता है, ओवरी से लेकर यूटेरस के बीच में ये पाया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, यूटेरस के टीएस के बारे में। अगर यूटेरस की बॉल के बारे में हम बात करें तो इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, अच्छी तरह से याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज पेरी और एपीमेट्रियम। ये मेम्ब्रेनस लेयर है, सबसे बाहर का लेयर है, पतला लेयर है, और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज पेरी और एपीमेट्रियम। इसका मिडल लेयर जो थिकेस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज मीसो और मायोमेट्रियम, और याद रखना ये स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ पार्चुरिशन के टाइम ये किससे बना, स्मूथ मसल से बना, इस बात को याद रखना। और पार्चुरिशन के समय पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के इम्प्रेशन में इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे लीवर पेन होता है और बच्चे का जन्म होता है। आगे हम मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरिशन में बात करेंगे। अगर मैं एंडोमेट्रियम की बात करूं, विच इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, तो ये दो लेयर से बना है। इसका जो आउटर लेयर है विच इज फाउंड टूवर्ड्स मिसोमेट्रियम, ये कहलाता है स्ट्रेटम बैसिलिस। और इसका जो इनर मोस्ट लेयर है जो यूटेरस के ल्यूमेन के साइड में होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब एक बात याद रखना, मेंसिस के टाइम, मेंस्ट्रुएशन फ्लो के टाइम स्ट्रेटम फंक्शनलिस का डिजनरेशन हो जाता है, और इसमें 35 to 50 ml ब्लड लगभग पाया जाता है जो बाहर निकलता है, जिसके चलते क्या होता है, ब्लीडिंग होती है मेंसिस के दौरान। तो याद रखना जितना भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, सभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में स्ट्रेटम फंक्शनलिस का डिजनरेशन हो जाएगा, उसके बाद अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इसका रिफॉर्मेशन होगा, ये बात याद रखना, गॉट इट माई पॉइंट। और ईस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस, एंड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटम फंक्शनलिस। याद रखना, जब इसका प्रोजेस्टेरोन का क्वांटिटी कम होगा तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस का क्या हो जाएगा, डिजनरेशन हो जाएगा। स्ट्रेटम फंक्शनलिस का क्या हो जाएगा, डिजनरेशन हो जाएगा, जिसके चलते ब्लीडिंग होगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वल्वा और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल। याद रखना, ये वल्वा इज अनदर नेम फॉर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल, एंड दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये कहां पर पाया जाता है, अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बताऊं तो दोनों दोनों लेग के जंक्शन पर यहां पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज मोन्स प्यूबिस। अच्छी तरह से याद रखना, ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है कहां पर, दोनों थाई के जंक्शन पर लंबर रीजन है, ये कहलाता है मोन्स प्यूबिस। ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहां बना हुआ है बेसिकली दिस इज मोन्स प्यूबिस। अगर मैं मोन्स प्यूबिस की बात करूं तो इसके दोनों साइड में दो जो है उभार पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, एडिपोज टिश्यू की वजह से, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेबिया मैसोरा। दोनों साइड में दो फोल्ड पाए जाते हैं, एंड दिस आर कॉल्ड एज लेबिया मैसोरा। आप लेबिया मैसोरा के अंदर जाओगे तो दो जो है और फोल्ड पाए जाते हैं जो कहलाते हैं लेबिया माइनोरा। तो याद रखना, दो तरह का फोल्ड पाया जाता है, जो आउटर फोल्ड है, जो लार्जर फोल्ड है दिस इज कॉल्ड एज लेबिया मैसोरा, और जो स्मॉलर फोल्ड है दिस इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। फिर देखो, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में क्लाइटोरिस पाया जाता है, और याद रखना क्लाइटोरिस क्या कहलाता है, ये फीमेल पेनिस भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जो इरेक्टाइल टिश्यू पेनिस में पाया जाता है,
कौन सा पाया जाता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, याद रखना इरेक्टाइल टिश्यू है जो मेल पेनिस में पाया जाता है, और ये इरेक्टाइल टिश्यू इस फीमेल के क्लाइटोरिस में भी पाया जाता है, इस बात को याद रखो। और पूरा कैवर्नोसा, यू हैव टू गिव मी अ ब्रेन, दैट्स व्हाई क्लाइटोरिस इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल पेनिस। ठीक है, फिर क्लाइटोरिस से आप नीचे आओगे तो यहाँ पर यूरेथ्रल ऑरिफाइस आपको मिल जाएगा, जिसके साइड में बर्थोलिन ग्लैंड भी होती है, और लोअर साइड पर आप जाओगे तो यहाँ बेजाइनल ऑरिफाइस आपको मिल जाएगा। ये कुल मिलाकर इतने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बल्बा और फीमेल जेनिटल ऑर्गन में। अब यहाँ पर बेजाइनल ऑरिफाइस का एक और डायग्राम हमें देखना चाहिए, तो याद रखना इसमें जो रेड कलर से बाउंड्री बना हुआ है, ये रेड कलर से जो बाउंड्री बना हुआ है, दिस इज बेजाइनल ऑरिफाइस। बेजाइनल ऑरिफाइस के ऊपर ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जो यहाँ मैंने येलो कलर में बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज हाइमन। ठीक है, और हाइमन के सेंटर पर एक एपर्चर पाया जाता है, ये कहलाता है ऑरिफाइस ऑफ हाइमन। कॉमनली ये माना जाता है कि हाइमन का पाया जाना वर्जिनिटी का साइन है, जो कि करेक्ट नहीं है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। हाइमन का पाया जाना वर्जिनिटी का साइन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी और दूसरी चीजों के चलते हाइमन कभी भी बस्ट हो सकता है। तो हाइमन को वर्जिनिटी का साइन माना जाना एक तरह का रॉन्ग कंसेप्ट है, इस बात को दिमाग में सेट करके चलना। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे मैमरी ग्लैंड के बारे में। मैमरी ग्लैंड में एक फॉर्मूला हमने बनाया, आटा दाल अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, भाई आटे दाल के भाव पता चल रहे हैं, करते कि नहीं करते? तो देखो ये हमने बनाया आटा दाल। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट ए है वो क्या है? एल्वियोलस, एम फॉर मैमरी, मैमरी एल्वियोलस जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जहां प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, किसको बनाया जाता है? मिल्क को बनाया जाता है। ठीक है, यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दिस इज कॉल्ड एज टिब्यूल, मतलब मैमरी टिब्यूल। फिर ये कई सारा इस तरह का मैमरी टिब्यूल आपस में फ्यूज करता है, जिससे बनता है मैमरी डक्ट। Understand? D for duct and A for ampulla, कई सारा मैमेरी डक्ट आपस में फ्यूज करता है जिससे एम्पूला बनता है, और एम्पूला बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कहलाता है लैक्टिफेरस ट्यूब। याद रखना क्या कहलाता है? लैक्टिफेरस टिब्यूल। और लैक्टिफेरस टिब्यूल कहाँ खुल जाता है? मैमेरी ग्लैंड का जो टर्मिनल पार्ट है, विच इज कॉल्ड एज टीट्स और नीपल, वहां जाकर ये खुल जाता है। फिर ये जो फॉर्मूला हमने बनाया उसको हम डायग्राम में बना के देखें। देखो दिस इज कॉल्ड एज मैमरी एल्वियोलस, ये पहला पार्ट है, और इससे जिस डक्ट का ओरिजिन होता है दिस इज कॉल्ड एज मैमरी टिब्यूल। और ये दोनों, मतलब मैमरी एल्वियोलस और मैमरी टिब्यूल, एक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं जो कहलाता है मैमरी लोब्यूल। कई सारे मैमरी एल्वियोलस और कई सारे मैमरी टिब्यूल किसके अंदर पाए जाते हैं? मैमरी लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो कई सारे मेमोरी टिब्यूल आपस में जुड़ जाते हैं जिससे बनता है मेमोरी डक्ट। ठीक है, और कई सारे मेमोरी डक्ट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे बनता है मेमोरी एम्पुला, जिसमें मिल्क को स्टोर किया जाता है, और मेमोरी एम्पुला फाइनली टर्न इनटू लैक्टिफेरस टिब्यूल। फाइनली ये क्या बनाएगा? लैक्टिफेरस टिब्यूल, और लैक्टिफेरस टिब्यूल निपल्स या टीट्स पर जाकर खुल जाता है। Got it this point? अगर इसी स्ट्रक्चर को हम अलग से देखें, डिटेल में देखें, तो यहाँ मैंने देखो कई एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने बनाया किसका, इसका मैमरी ग्लैंड का, जिसमें दो मैमरी लोब्यूल हमने बनाए हैं डायग्राम को आसान बनाने के लिए। इनफैक्ट कई सारे मैमरी लोब्यूल होते हैं। मैमरी लोब्यूल के अंदर क्या होता है? हमारा जो आटा दल का एल्वियोलस और मैमरी टिब्यूल, और मैमरी डक्ट देखो यहाँ से बाहर, और मैमरी डक्ट के बाद क्या है? मैमरी एम्पुला है, और मैमरी एम्पुला के बाद क्या है? लैक्टिफेरस टिब्यूल है, और लैक्टिफेरस टिब्यूल कहां खुल जाता है? याद रखना ये निप्पल और टीट्स पर जाकर खुल जाता है। ठीक है, मैमरी लोब्यूल के चारों तरफ बहुत सारा फैट बॉडी, इसके बीच में चारों तरफ बहुत सारा फैट बॉडी होता है। तो कुल मिलाकर इतना स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, इस बात को याद रखना। आगे हम बात करने वाले हैं इसके जो अगले एस्पेक्ट हैं उनके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगले जो एस्पेक्ट है, एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक है
गैमिटोजेनेसिस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हम सारा जूलॉजी को, सारा बायोलॉजी को इसी तरह से कवर करने वाले हैं। सो ओके, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना काफी है।